ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सदन के भीतर पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने हिमाचल के इकलौते सैनिक स्कूल सुजानपुर के मसलों को उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्कूल की ग्रांट रोक दी है, जो कि तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग रखी कि स्कूल के बकाया 3,71,00,000 रुपए की राशि जल्द प्रदान की जाए तथा स्कूल भवनों की मुरम्मत के लिए अलग से आर्थिक मदद मुहैया करवाई जाए, जिस पर सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह जनहित के इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हिमाचल प्रदेश में सुजानपुर में एक लौता सैनिक स्कूल है, और पिछले कल जो है समाचार पत्रों की सूचियों में रात में समाचार पत्रों में था कि सुजानपुर का सैनिक स्कूल जो है वो आर्थिक संकट में वापस हो गया। मैं इस मुद्दे को लेकर ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्कूल है 2 नवंबर 1970 को इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया और 1970 को फाउंडेशन स्टोन रखा गया और 1979 को उसका पहला बैच बैठा। 40 साल इस स्कूल को चले हुए थे। इस स्कूल ने 500 से ज़्यादा भारतीय सेना में ऑफिसर्स दिए हैं, जो कोई लेफ्टिनेंट जनरल है, कोई मेजर जनरल है, कोई ब्रिगेडियर है, कर्नल है, मेजर्स हैं, कैप्टन्स हैं, तो देश की सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और हमारे देश में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जो है कोई ISS ऑफिसर्स हैं, कोई HS ऑफिसर्स हैं, कोई जुडिशरी में हैं, ऐसे बहुत सारे सैनिक स्कूल से जो निकले जो यहाँ से स्टूडेंट्स हैं वो देश में अलग अलग हिस्सों में इंटरनेशनल लेवल पे मल्टीनेशनल कंपनीज में कोई CEOs तक हैं। तो ये स्कूल बहुत महत्वपूर्ण स्कूल है और अधिकतर बच्चे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के पढ़ते हैं। तो इस ये जो मसला है, इसमें 3,71,00,000 रुपया जो सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल की वो जो ड्यू बनता है वो ड्यू है इनका, उनका नहीं बनता है। और इस मसले को लेकर मैंने कहा कि जो सैनिक स्कूल है इसमें जिन बिल्डिंग्स को बने हुए 40 वर्ष हो गए, वो बिल्डिंग जब बारिश होती है तो पानी टपक रहा है। हॉस्टल्स है वहाँ पर, बच्चे कैसे बच्चे आप एक इस डिसिप्लिन एक बच्चे वहाँ से आप जो है वो प्यार कर रहे हैं और देश को आप देश की सेना में देखते हैं। तो इस मसले को जो आज जो है सदन में हमने उठाया कि आपके पास जो ड्यू बनते हैं उसको तो आप दीजिए, और इसके अलावा जो बिल्डिंग है उनकी मेंटेनेंस के लिए पैसा दीजिए, क्योंकि 20,000 स्टूडेंट स्कूल जो है दे चुका है। और इस मसले को लेकर सरकार की तरफ से इंश्योरेंस मिली है कि जल्दी इस मसले को उसके साथ जो है सरकार जो है वो गंभीरता से लेगी और उसके लिए सरकार कुछ ना कुछ करेगी।